नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं यशराज तिवारी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज रविवार का दिन है और आज मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ हूं आप लोगों की जन्म कुंडली का निःशुल्क अध्ययन करने के लिए। आज का जो हमारा कार्यक्रम है ये प्रोग्राम नंबर 38 है और 293 जन्म कुंडली का अध्ययन हम अभी तक कर चुके हैं। वो नए दर्शक जो इस कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं और अगर आप भी अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन निःशुल्क रूप से मुझसे इस कार्यक्रम के द्वारा कराना चाहते हैं तो आप अपनी डिटेल्स जैसे कि आपका नाम, आप अपने जन्म की तिथि, आप अपने जन्म का समय और आप अपने जन्म का स्थान किसी भी एक स्पेसिफिक प्रश्न के साथ में इस वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में दे दीजिए। हमारी कोशिश यही रहेगी कि जल्दी से जल्दी आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा इस निःशुल्क कार्यक्रम में किया जाए। इसके साथ ही साथ डिटेल्स को देने के बाद में कृपया धैर्य का परिचय दीजिए। 2 से 3 हफ्ते का समय आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन करने में आपकी डिटेल्स पोस्ट करने के बाद में लगता है, क्योंकि फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पर अध्ययन होता है, तो जिनकी जन्म कुंडली पहले आती है उसके आधार पर उनका सिलेक्शन पहले नंबर पर होता है। इसके साथ ही साथ अगर आप इस चैनल के वीडियोज़ को देखते हैं या नए दर्शक जो भी चैनल के वीडियोज़ को आज देख रहे हैं और अगर आपको वीडियोज़ पसंद आते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि ज्योतिष से संबंधित जानकारी आप लोगों को मिलती रहे। और जो लाइव आने वाला जो प्लान था जो मैंने आपको बताया था, तो अगर आप लोग चाहें तो अभी मैंने इंस्टाग्राम का यूज़र नेम आपको एंडिंग में मिल जाएगा तो आप इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा ताकि वहां पर आप अगर चाहें तो मैं आप सभी के समक्ष लाइव उपस्थित हो सकता हूं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए। वही बात को अपनी रिपीट करना चाहूँगा मैं कि अगर आपके लाइक करने से ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाएगा। तो आज की पहली जन्म कुंडली हम लेते हैं और ये जन्म कुंडली है राज सोनी जी की। तो राज सोनी जी आप तैयार रहिए, आपकी जन्म कुंडली मैं ले रहा हूँ। इन्होंने अपना डेट ऑफ बर्थ बताया है 25 अक्टूबर 2002। जन्म का समय इन्होंने दिया हुआ है सुबह के 4:36 और जन्म स्थान है इनका झांसी उत्तर प्रदेश। तो राज सोनी जी की जन्म कुंडली कन्या लग्न की है और राशि इनकी वृषभ बन जाती है, तो भूमि तत्वीय लग्न और भूमि तत्वीय राशि ये तो श्रेष्ठ हो गया। और लग्नपति बुध बन जाते हैं, लग्न में ही बैठे हैं चित्रा नक्षत्र में जो कि मंगल का नक्षत्र है, परंतु अष्टमेश का जाकर के भी लग्न में बैठना, तो अष्टमेश का जाकर के लग्न में बैठना संघर्ष को उत्पन्न करेगा। हालांकि लग्नेश वहीं पर बैठे हैं तो संघर्ष में कहीं ना कहीं कमी लाएंगे, लेकिन फिर भी जीवन काल में स्ट्रगल तो रहेगा ही रहेगा कुछ हद तक, क्योंकि मंगल का बल 11 है और बुध को अगर आप देखो तो 24 पर बैठे हैं, तो बुध स्वतः कहीं ना कहीं बाल्यावस्था में दिखाई पड़ रहे हैं। 24 कला पर हैं ये और मंगल का बल मैं देखता हूं कि मुझे थोड़ा सा यहां पे ज्यादा दिखाई पड़ रहा है और षड बल में भी मंगल का बल थोड़ा सा ज्यादा आपको प्राप्त हो रहा है। चलते हैं आपके प्रश्न की तरफ। आपने पूछा है, मेरा सवाल है कि मेरी गवर्नमेंट जॉब कब तक लगेगी, हालांकि मैं प्रयास कर रहा हूं लेकिन सफलता कब मिलेगी और मान प्रतिष्ठा और धन जीवन में कैसा रहेगा, कृपया वीडियो के माध्यम से करने की कृपा करें। देखिए, गवर्नमेंट जॉब कब तक लगेगी, गवर्नमेंट जॉब के लिए अगर हम देखें तो आपकी जन्म कुंडली में शनि की स्थिति को देखा जाए तो ये 5 पर बैठे हुए हैं जो कि बाल्यावस्था में है लेकिन दशम भाव में, और दशमपति जाकर के लग्न में बैठे हैं बुध जो कि स्वतः लग्नेश होते हैं। सूर्य की स्थिति को देखा जाए तो सूर्य नीच राशि में 7 पर बैठे हैं और शुक्र भी वहीं पर बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं सूर्य का नीचत्व भंग माना जाएगा। नवमांश कुंडली में देखा जाए तो धनु राशि में बैठे हैं। लग्नपति का लग्न में होना, लग्न तो बलवान अवस्था में दिखाई पड़ता है और देवगुरु बृहस्पति का उच्च राशि में बैठ के आपके पंचम भाव को देखना, तो संभावनाएं तो बनती हैं इस जन्म कुंडली में सरकारी नौकरी की। हालांकि वो गुरु नवमांश में नीच राशि के हो गए हैं परंतु फिर भी चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। इस कुंडली के भाग्येश आपके जो शुक्र बनते हैं, धनेश जो बनते हैं, वो स्वतः अपनी ही राशि में मूल त्रिकोण के और नवमांश में जो कि उच्च के हैं, तो ये स्थिति को बेहतर दिखाते हैं। और अगर आप प्रयत्नशील रहें तो राहु की महादशा में बुध का अंतर जो कि आपको चल रहा है, तो मैं समझता हूं कि 2023 में ही बिल्कुल करीब का जो आपको योग बताया जाए तो 29 दिसंबर 2022 अर्थात 2023 इसको समझ लीजिए कि 2023 में आपकी जन्म कुंडली में सरकारी नौकरी लगने के योग हैं। और ऑलरेडी मैंने सिद्ध किया कि धन भाव के अधिपति धन भाव में ही बैठे हुए हैं और लाभेश जाकर के भाग्य भाव में चंद्रमा उच्च राशि में बैठे हैं, तो ये कहीं ना कहीं धन की स्थिति तो आपकी जीवन काल में बढ़िया दिखाई पड़ती है। और रही बात किस चीज की, आपकी मान प्रतिष्ठा की, तो सूर्य नीच राशि में है हालांकि उनका नीच भंग हो रहा है और लग्नेश लग्न में है। देखिए, लग्नेश जन्म कुंडली में बलवान हो तो भी ऐसे जातकों को मान सम्मान पद प्रतिष्ठा मिल जाती है,
क्योंकि लग्न अर्थात कि आप व्यक्ति का व्यक्तित्व इतना भव्य होता है कि उसकी कमियां भी छिप जाती हैं लग्नेश के बलवान होने की वजह से। लेकिन मान सम्मान के कारक सूर्य को कहा गया है और सूर्य नीच राशि में है और नीच भंग करके हैं, तो ये प्लस पॉइंट है कि नीच भंग करके हैं, परंतु नीच भंग भी हुआ है तो नाम मान और सम्मान आपको बनाना पड़ेगा। ये नहीं है कि आपको बैठे बैठाए मान सम्मान पद प्रतिष्ठा मिल जाए। तो मान सम्मान है इस कुंडली में, परंतु वो मान और सम्मान आपको स्वतः अपने हाथ से बनाना पड़ेगा। अपनी राइट आई का स्पेशली ध्यान रखिए, आपकी आंखों से संबंधित परेशानियां मैं देखता हूँ। चंद्रमा उच्च राशि में बैठे हैं 17 अंश पर और राहु 15 अंश पर बैठे हैं, तो ये प्रबल चंद्र ग्रहण दोष आपकी कुंडली में बनता है, जिस वजह से आपका मन अशांत रहेगा। अब सरकारी नौकरी के योग होने के बावजूद चंद्रमा का कुछ स्थिति, जो उच्च राशि का चंद्रमा वैसे ही मानसिक शांति देता है और राहु के साथ होने की वजह से मानसिक शांति बढ़ जाएगी, तो पिता के साथ भी हो सकता है संबंध थोड़े से खराब हो जाए और साथ ही साथ में मानसिक अशांति, अस्थिरता, बेहतर बनने के बाद भी एग्जामिनेशन हॉल में जाकर के परफॉर्म ना कर पाना या कंसंट्रेशन की कमी आपकी कुंडली में दिखती है। मन बहुत जल्दी भटक जाए, बहुत जल्दी व्यक्ति किसी चीज़ को पाने की चाहत है लेकिन बहुत जल्दी डिप्रेसिंग फेज में चला जाए या उसको लगने लगे कि ये होगा या मुझसे नहीं होगा, तो सेल्फ डाउट की स्थिति आ जाती है अगर चंद्रमा की स्थिति कुछ इस प्रकार की हो। तो इसके लिए आप यही करिए कि नित्य शिव जी के मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर कच्चा दुग्ध अर्पित करिए ताकि चंद्रमा से संबंधित जो परेशानी है उसमें कमी आ जाए। नित्य सूर्य को जल दिया करिए, सूर्योदय के बाद तक सोने की आदत है तो वो छोड़ दीजिए, और गणेश जी का मंत्र ओम गंग गणपते नमः नित्य एक माला जाप करिए, ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो इतने उपायों को आप करिए और बाकी आपकी कुंडली में मुझे योग दिखाई पड़ते हैं। 2023 में है, दशम भाव में शनि है तो विलंब होगा, तो विलंब के साथ में देरी के साथ में से जन्म कुंडली में मुझे सफलता दिखाई पड़ती है। तो ये था राज जी की जन्म कुंडली का अध्ययन। अब आगे बढ़ जाते हैं हम, और अगली जन्म कुंडली शनि सिंगला जी की है। तो शनि जी आप तैयार रहिए, आपकी जन्म कुंडली में ले रहा हूं। शनि जी ने अपना डेट ऑफ बर्थ बताया है 11 नवंबर 1984, और जन्म का समय इन्होंने जो दिया है वो है दोपहर में 2:33। और जन्म का स्थान है फाजिका, पंजाब। तो शनि जी, अगर आपकी जन्म कुंडली की तरफ हम चलते हैं तो आपकी जो जन्म कुंडली है वो कुंभ लग्न की है और राशि आपकी वृषभ बन जाती है। लग्नेश बनते हैं शनि, जाकर के भाग्य भाव में उच्च राशि में बैठे हुए हैं और सूर्य और शनि की युति, सूर्य और शनि की जहां भी युति हो वहां पर शनि का बल बढ़ जाता है और सूर्य का बल कम हो जाता है। तो आपकी कुंडली में अगर मैं देखूं तो लग्नेश का बल बढ़ रहा है, ये प्लस पॉइंट है। इन्होंने प्रश्न किया है 2022 से गुरु में राहु का अंतर कैसा परिणाम देगा, कृपया करके बताइए। गुरु से राहु का संबंध षडाष्टक का है तो क्या उपाय करने चाहिए या नहीं, प्लीज इस बारे में पूर्ण रूप से बताने का कष्ट करें, वो कोटि कोटि इन्होंने नमस्कार लिखा हुआ है। देखिए, तो बढ़िया प्रश्न किया है इन्होंने, सभी के काम आने वाला प्रश्न है ये। देखिए, अक्सर आपने षडाष्टक का जिक्र किया उस पर भी हम आएंगे, लेकिन अक्सर जो लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं या ज्योतिष को सीख रहे हैं, मैंने सदैव ही शुरुआत से ही इस चीज़ को बताया। बृहत जन्म कुंडली वीडियो विश्लेषण में भी शायद इस बात का चर्चा एक बार हो चुकी है, मुझे ठीक से याद नहीं परंतु हुआ है, और पहले भी मैंने बताया कि गुरु की महादशा में राहु का अंतर जब भी आता है ये अच्छा रिजल्ट नहीं करता। गुरु की महादशा में राहु का अंतर व्यक्ति को परेशान करता है, मानसिक रूप से अशांत करता है, काम बनते बनते अंत में बिगड़ जाते हैं। तो ये स्थिति तो देखने में आती है, अपनों से धोखा मिलते हुए भी मैंने देखा जब गुरु की महादशा में राहु का अंतर आता है। तो ये चीज़ें तो हो ही सकती हैं, तो इससे आपको सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि गुरु में राहु का अंतर ठीक नहीं माना जाता। अब अगर हम आपकी जन्म कुंडली पर विचार करें तो आप कुंभ लग्न के हैं, और इस जन्म कुंडली में अगर हम देखें तो द्वितीय पति और लाभेश होते हैं, 11वें भाव के अधिपति और दूसरे भाव के अधिपति देवगुरु बृहस्पति लाभ भाव में ही बैठे हुए हैं। तो गुरु की महादशा तो वैसे ही आपके लिए मारक वाला समय कही जाएगी, क्योंकि द्वितीय भाव के अधिपति भी गुरु बन जाते हैं और 11वां भाव छठे से छठा, जो कि रोगों को दर्शाता है। राहु उच्च राशि में बैठे हैं नो डाउट, लेकिन चतुर्थ भाव में बैठे हैं। अब चतुर्थ भाव में राहु का होना ये घर में कलह की स्थिति को उत्पन्न कर देता है, और छठवें आठवें का संबंध जो कि आपने ऑलरेडी बता ही दिया ये छठवें आठवें का संबंध, तो छठवें आठवें के संबंध में हेल्थ से संबंधित परेशानियां सबसे ज्यादा देखने में आती हैं, शत्रु परेशान कर सकते हैं, तो ये दो चीजों से आप बच के रहें। लाभ भाव और धन भाव होने की वजह से किसी गलत जगह में आपके धन का व्यय हो जाए, कोर्ट कचहरी की स्थिति बन सकती है, तो इन सब चीजों से आपको सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि गुरु की महादशा में राहु का अंतर ठीक नहीं कहा जाएगा। फिर शनि की जो महादशा आएगी जो कि लग्नेश है वो आपके लिए बेहतर है। अब टाइम पीरियड आप जानते हैं, तो गुरु में राहु की महादशा में आपको सावधान और सतर्क रहने की आवश्यकता है। उपाय के तौर पर आप
गणेश जी का मंत्र ओम गंग गणपते नमः नित्य एक माला जाप किए करा करिए, हनुमान चालीसा का रोज एक पाठ और बजरंग बाण का रोज एक पाठ करिए, साथ ही साथ सूर्य को जल दीजिए। ये चार उपाय अगर आप करते हैं तो स्थिति में काफी हद तक सुधार आ सकता है अगर आपके द्वारा ये उपाय किए जाए तो। बाकी हाँ, गुरु में राहु का जो अंतर होता है वो अच्छा रिजल्ट नहीं करता। आगे बढ़ते हैं और अगली जन्म कुंडली है मिहिर जी की, और ये जो आईडी है ये आईडी कालू नाम से आईडी है। मिहिर सोनगरा जी की जन्म कुंडली है, तो मिहिर जी इनका डेट ऑफ बर्थ है 9 मार्च 2001। जन्म का समय इन्होंने बताया हुआ है दोपहर में 3:07, और जन्म का स्थान है, आपने जन्म का स्थान ही नहीं दिया, इतना बड़ा प्रश्न लिख दिया है। गवर्नमेंट एग्जाम की पढ़ाई करनी चाहिए, गवर्नमेंट जॉब लग सकती है, तो आपकी कुंडली तो आप पूरी बता देते पहले। आप अपनी कुंडली की डिटेल्स, मैं कितनी बार कहता हूँ वीडियो के शुरू में, वीडियो के एंड में, कि आपका नाम, आपके जन्म की तिथि, आपके जन्म का समय और आप अपने जन्म का स्थान, आपने जन्म का स्थान दिया ही नहीं है तो ये जन्म कुंडली आकर के भी हट जाएगी, तो इस पर हो ही नहीं सकता कुछ। आगे बढ़ते हैं और अगली जन्म कुंडली प्रवीण गुप्ता जी की आईडी से सौरभ गुप्ता की है, तो सौरभ जी आप तैयार रहिए, आपकी जन्म कुंडली मैं ले रहा हूँ। सौरभ जी ने अपना डेट ऑफ बर्थ दिया है 16 जून 2006। समय है 4:10 PM और बरवाला हरियाणा। सौरभ जी की जन्म कुंडली तुला लग्न की है, राशि कुंभ बन जाती है। प्रश्न इन्होंने पूछा है कि सर मेरे करियर के बारे में जानकारी चाहिए थी, किस फील्ड में बेस्ट करियर है और मेरी लाइफ कैसी होगी, पापा मम्मी पे बर्डन तो नहीं बनूंगा ना? नहीं, ऐसा किसने कह दिया आपसे? इस तरह की सोच भी इतनी कम उम्र में नहीं आनी चाहिए कि आप अपने पेरेंट्स पर बर्डन बनेंगे। हमेशा आपके मन में यही सोच होनी चाहिए कि कुछ इस तरह की स्थिति हम उत्पन्न करें कि कभी बर्डन तो ना बने। कुछ करना ना करना अलग बात है, बट बर्डन वाला थॉट आपके मन में नहीं आना चाहिए, तो इसको हटा दीजिए। तुला लग्न की जन्म कुंडली राशि आपकी कुंभ है, तो वायु तत्वीय लग्न, वायु तत्वीय राशि श्रेष्ठ स्थिति है ये, इसमें कहीं कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। दिक्कत ये है जरूर, षष्ठेश जाकर के लग्न में बैठे हैं गुरु, तो हो सकता है आपके हेल्थ से संबंधित आपको परेशानियां रहती हों, और हो सकता है कि हेल्थ की ही वजह से आपने कहा हो कि बर्डन तो नहीं बनूंगा। आपके जीवन में हेल्थ शत्रु, आपके जो एनिमीज हैं वो रहेंगे, या हो सकता है कि लोन की स्थिति भी कुछ हद तक आपके जीवन में बने, तो वो है हेल्थ से संबंधित, थोड़ा सा आपको सतर्क और सावधानी रखनी होगी। लग्नेश मृत अवस्था में है, लग्नेश को थोड़ा सा बलवान कर लीजिए। तुला लग्न की जन्म कुंडली में अगर हम देखें तो योग कारक ग्रह शनि होते हैं, पंचम पति बन के जाकर के बैठे हुए हैं, दशम भाव में बढ़िया है ये, और भाग्येश का भाग्य भाव में होना। ग्रहों का बल थोड़ा सा कमजोर आ रहा है आपकी जन्म कुंडली में, लेकिन शनि स्व नक्षत्र में, खुद के नक्षत्र में दशम भाव में बैठे हैं, ये बढ़िया है। तो एकमात्र ग्रह जो है आपकी कुंडली में दशमेश और पंचमेश का परिवर्तन भी हुआ है, तो जिस फील्ड में आप शिक्षा हासिल कर रहे हो उसी फील्ड में आपकी जन्म कुंडली में आपका करियर बनने की संभावनाएं हैं। गुरु लग्न में बैठे हैं, षष्ठेश और तृतीय शुक्र के लग्न में बैठ करके भाग्य भाव और भाग्येश को देख रहे हैं, तो भाग्य के कारक ने भाग्य भाव और भाग्येश को देखा, फलतः ऐसे व्यक्तियों का भाग्य तो साथ देता ही है। लग्नेश पर भी कहीं ना कहीं देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि का पड़ना पॉजिटिव पॉइंट ही माना जाएगा, क्योंकि वो शुभ ग्रह है। षष्ठेश होकर के डाल रहे हैं, ये थोड़ा सा जरूर नेगेटिव पॉइंट है, परंतु गुरु की दृष्टि का अपना प्रभाव है जो कि अमृतमय दृष्टि होती, तो ये तो माना जाएगा। तो कुंडली कुछ हद तक कमजोर है, उसको हम ठीक कर सकते हैं, हालांकि योग कारक ग्रह शनि की स्थिति को देख करके इस कुंडली को हम कमजोर तो नहीं कह सकते। अब बात आती है शनि मंगल की, युति आपके दशम भाव में बनी हुई है और मंगल यहाँ नीच राशि में बैठे हैं, हालांकि चंद्रमा का त्रिकोण में होना उनका नीचत्व भंग माना जाएगा, और नवमांश में वो मंगल स्वग्रही हैं, और नवमांश में भी मंगल शनि की युति। आपकी कुंडली में दो योग बहुत अच्छे हैं, या तो आप इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जाकर के इंजीनियरिंग में ही अपनी आगे के करियर को इंजीनियरिंग की लाइन में, आईटी वगैरह की लाइन में, या इंजीनियरिंग के क्षेत्र में आप सरकारी में प्रयास करें तो वहाँ आप कर सकते हो, या मेडिकल सेक्टर, ये दोनों ही फील्ड्स आपके लिए बहुत अच्छी हैं, और आप चाहें तो अपना टीचिंग में भी आप अपना लक आजमा सकते हो, टीचिंग के भी योग इस जन्म कुंडली में मुझे दिखते हैं। तो इन तीनों में से कोई भी आप एक सेक्टर को चूज़ कर लीजिए, और जो आपने पूछा है कि फील्ड मैंने आपको बता दी, और लाइफ अगर देखी जाए तो राहु की महादशा है, राहु की महादशा में शुक्र का अंतर, 2006 का आपका जन्म है, तो वही 14-15 साल की जो उम्र है, बस थोड़ा सा स्त्री मित्रों से सावधान रहें, रिलेशनशिप वगैरह के चक्कर में अभी ज़्यादा आप ना आएँ,
तो वो आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। रिलेशनशिप में आना आपके मन को भटकाने वाला होगा। व्यय की अधिकता धन खर्च हो सकता है, तो थोड़ा सा स्त्री मित्रों से अभी सावधान आप रहें। राहु की महादशा बाल्यकाल में आ जाए तो ये शिक्षा को बाधित कर देती है, तो ये थोड़ा सा परेशानी का कारण रहेगा। गुरु की महादशा भी कुछ बहुत ज्यादा श्रेष्ठ नहीं, जब शनि की महादशा आपकी कुंडली में आएगी वहां से आपकी लाइफ में स्थायित्व मैं देखता हूँ। तो ये है उपाय के तौर पर, आप सूर्य भगवान को रोज जल दिया करिए। सूर्य को जल देना अत्यंत आवश्यक है। हनुमान जी आपके इष्ट देवता बनते हैं, तो हनुमान चालीसा का नित्य 2 बार पाठ करना भी आपके लिए बेनिफिशियल होगा। और इसके साथ ही साथ अगर हम देखें तो नित्य किसी भी दिन, नहीं तो मंगलवार के ही दिन, हनुमान जी के मंदिर में दर्शन करने के लिए जाया करिए और केले का पौधा घर में ला करके उस केले के पौधे पर जल दिया करिए। ये कुछ उपाय हैं जो कि आपके लिए बेनिफिशियल साबित होंगे, और ये उपाय करके आप अपनी जो लाइफ है उसमें आप आगे बढ़ सकते हैं। और अगली जन्म कुंडली है अंशेष शर्मा जी की, एस्ट्रो अंशेष के नाम से इनका अकाउंट है, तो हो सकता है कि ये ज्योतिष को सीख रहे हों। और 11 दिसंबर 2004 जन्म का समय इन्होंने बताया हुआ है 5:40 AM, और ये ग्वालियर से ही है, ग्वालियर मध्य प्रदेश। आपकी जन्म कुंडली वृश्चिक लग्न की है, राशि भी आपकी वृश्चिक बन जाती है। बाहरवें भाव में स्वग्रह ही शुक्र बैठे हैं, तो अगर ज्योतिष में रुचि है तो ज्योतिष सीख सकते हैं, वो तो है आपकी कुंडली में। एक्टर बनना है, क्या बन पाऊंगा? शुक्र जाकर के देखा जाए तो बाहरवें भाव में मृत अवस्था में बैठे हैं। एक्टर बनने में थोड़ी सी परेशानी यहाँ पे दिखाई पड़ती है, क्योंकि लग्नेश भी स्वतः बाहरवें चले गए हैं, तो एक्टिंग की फील्ड में जाने के अलावा कुछ और फील्ड अगर आप देखें तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। बैंकिंग इत्यादि का क्षेत्र या गवर्नमेंट सेक्टर की आप तैयारी, टीचिंग वगैरह की तरफ आप जाना चाहें तो वो कर सकते हैं आप। और व्यापार कारक बुध का लग्न में होना, हालांकि वो अष्टमेश है, ये बहुत ज़्यादा संघर्ष कराएंगे। और आज के समय में जहाँ इतना नेपोटिज्म भरा हुआ है, तो एक्टिंग के फील्ड में अचानक से सफलता मिल जाना थोड़ा सा संभव नहीं दिखाई पड़ता, तो एक्टिंग की फील्ड में बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं, इसलिए एक्टिंग की फील्ड को छोड़ करके आप किसी और क्षेत्र में अपना करियर बनाने की कोशिश करिए। उपाय के तौर पर अगर मैं आपको कहूँ तो मैं आपको सूर्य की आराधना ही एकमात्र उपाय बताऊंगा कि सूर्य को जल देना ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो प्रिय दर्शकों, इतनी ही जन्म कुंडली लेकर के मैं आज आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ था। आशा करता हूँ कि जिनकी भी जन्म कुंडली का अध्ययन यहाँ पर हुआ वो सभी संतुष्ट होंगे। अगर आपको कार्यक्रम पसंद आता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे और जितने भी वीडियोज़ ज्योतिष से संबंधित या जन्म कुंडली से संबंधित बनते हैं वो आप तक पहुँच सकें। और अगर आपको पसंद आते हैं वीडियोस, तो आप वीडियोस को लाइक करिए, ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में पहुंच सकेगा। और ये कार्यक्रम आपको कैसा लग रहा है, अपनी राय आप कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही, पुनः अगले सप्ताह आप सभी की जन्म कुंडली का अध्ययन करने के लिए मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार। फोन पर बात करके कुंडली दिखाने के लिए एवं ज्योतिष से संबंधित अन्य सर्विसेज के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके पर्सनल अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अब आप YouTube के साथ साथ Facebook और Instagram पर भी मेरे अकाउंट को फॉलो कर सकते हैं, जहां पर आपको ज्योतिष से संबंधित जानकारी मिलती रहेगी।